नहीं एफएक्स नहीं बना, क्यों क्यों नहीं बना? लोग देख रहे हैं वहाँ पर, ये हम वादी अल कोर पहुँच गए थे, तो मैं अभी आपको आगे जाके वीडियो बना के दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हम आए हुए थे अलकुतरा लेक में, आए हुए थे अलकुतरा लेक थी, ये वादी अल कोर। तो ये पानी है हल्का छोटा सा, देखिए इस तरीके से उन्होंने नहर बनाई हुई है, पानी को छोड़ा हुआ है नीचे करके, वो बहता हुआ आ रहा है, बस वहाँ से बहता हुआ जा रहा है इधर। बाकी देखिए माउंटेंस है बाकी, तो आगे जाके और चेक करते हैं कि और क्या चीज़ है ना उस साइड पे, जाके हम लोग चेक करते हैं, फिर इस साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो देखेंगे सुरंगें बनी हुई हैं यहाँ पे, इसके अंदर से पानी निकल रहा है, ये देखेंगे इसके अंदर से नहीं निकल रहा, उधर से आता है पानी पीछे पहाड़ियों से, बारिश का बारिश होती है तो यहाँ से। इन्होंने पूरा इधर सिस्टम बनाया, जाल भी डाला है। हाँ, तो ये पानी नीचे तक ना जाए, क्योंकि ये इधर इन्होंने किसी चीज के लिए पाइप डाला है। हाँ, और देखिए पाइप के लिए स्पेशल ब्रिज सा बना है। हाँ, पाइप का भी स्पेशल ब्रिज है। तो ये डायरेक्शन जो हम और आगे जा नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि सुरंगें बनाई हुई इन्होंने पानी की, अंदर से कुछ इमदाई खतरनाक अजदाह निकल के आ गया तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। इधर से जा तो सकते हैं। हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन अब देख लें, ट्राई करते हैं यार क्या? हैं चलो, क्या आपका दिल नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मेरा दिल तो कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? आप चलो, आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके। आप आगे चलो, मेरे जूते बड़े स्लिपरी हैं, मैंने आज जूते चेंज किए। अच्छा, तो ये देखिए ये सुरंग है इसकी, पानी वाली जगह पे पैर नहीं रखो। हाँ, आप थोड़ा नीचे ध्यान दे। तो ये हम जा रहे हैं सुरंग के अंदर से, इधर हाँ वो भी अटैक। ये देखें बकरे के पैर के निशान तो हैं, इसका मतलब बकरियाँ वगैरह आती हैं यहाँ पे। एक ब्रिज क्रॉस हो गया, ये सेकंड ब्रिज आ गया, अभी देखें एक ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया, ये ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया, अब ये सेकंड ब्रिज आ गया। इधर मुझे लग रहा है लाइट चाहिए होगी मरा था, हैं ये खतरनाक लग रहा है मुझे, थोड़ा लंबा है, हैं ये देखें, ये हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर से, ये बड़ा खतरनाक ब्रिज है, पीटीआई लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंदाबाद पीटीआई, ये देखें ये लिखा हुआ है जिंदाबाद पीटीआई लिख के लगा के, पीटीआई एवरीवेयर। हाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हाँ कनाडा। तो ये हम जा रहे हैं सुरंग के अंदर से, इसके ऊपर हाईवे है मेन हत्ता ओमान का, तो अभी देखें सारा जो है अंधेरा हो गया, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा हमको, मैं नीचे देख देख के जाना पड़ा है, तो भाई यही है बस, यहाँ पे ऐसे चल के जा सकते हैं सुरंग के अंदर से। तो उस साइड पे देखते हैं, डिस्कवर करते हैं उस साइड पे क्या चीज़ है, असल यही चीज़ डिस्कवर करना है कि उस साइड पे क्या चीज़ है, उसके बारे में पता लगाना है, उसके लिए सारी मेहनत है। तो ये देख रहे हैं आगे, थे मुझे भी देख लें आप, पता नहीं अंदर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, देखें हाथ हिला रहा हूँ मैं, लेकिन अभी ये चल रहे हैं अंधेरे में इस तरीके से। मुराद भाई को मैंने आगे रखा है और पीछे ये देखिए ये बाहर निकलने वाले हैं हम लोग, ठीक है ये बाहर हैं, ये हम बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर है, ये अल्लाहू अकबर भी लिखा हुआ है, सुभानअल्लाह भी लिखा हुआ है, और ये बाहर आ गए हम, देखें ये है सारा, इस टनल से हम आए, ये देखें ये टनल था, इस टनल के अंदर उस साइड इस साइड पर आ गए, ऊपर सारा हाईवे है। हाँ देखिए पानी का बहाव आता है, देखें झाड़ी भी टेढ़ी हो गई है, बारिश का पानी जब ज़ोरदार आता है, पानी आता है इससे पता तो बस का मतलब, अभी पानी नहीं है, पानी आता है तो फिर काम होता है। ये देखा आपने ये टनल, और ये जो है ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये वादी अल कोर है, ये देखें बैठने की जगह वो नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त छाँव में यहाँ आप तकिया लगा के
आराम से बैठ जाए ठंडा। वो सारी चोटी पे वो नजर आ रही है, पता नहीं वो हाइकिंग ट्रेल है वहाँ पे नहीं है। चलेंगे ना हाइकिंग ट्रेल चेक तो करो उसमें मैप में, प्रॉपर हाइकिंग ट्रायल पे जाना चाहिए ना। वो प्रॉपर हाइकिंग ट्रायल पे जाएंगे ना उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आसपास जगहें वो लोग ऐसा हाइकिंग ट्रायल बनाते हैं कि आप आसपास जगहें देख सकते हो, वो खुद ऐसा बनाते हैं कि सब जगहें देखते हुए जाएं। तो दिखते ही देखेंगे सारा ये हमें वहाँ से निकले हम लोग, वो देखेंगे ऊपर हाईवे चल रहा है वहाँ पे, उस साइड से थे उस साइड से हम लोग इस साइड पर आ गए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी देखें आगे क्या निकलता है, तो कुछ डिस्कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। अगली वीडियो में नहीं दिखाते मतलब थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। हमने प्लान किया कि ये चोटी पे चढ़ेंगे इस वाली पे, चल गया आसपास देखेंगे कि आसपास क्या चीज़ें हैं, सराउंडेड एरिया जो है ना वो चेक करेंगे इस चोटी पर चढ़ गए। तो यही है सबसे ऊपर यहाँ पर जो बता सकती है कि आसपास क्या है। तो बस क्यों हाँ इधर से चाहते हैं, ये जो रास्ता ये है ऊपर ये रोड का हाँ, अच्छा ये भी रोड का भी रास्ता क्या यहाँ से चले जाता से देखेंगे किस तरफ से। हाँ उस तरफ फेंस से लगी हुई कुछ है वहाँ पर, देखो खेत वेत लगा, ये गली भी बनाई इस गली में चलना है, ये गली गली में क्या करोगे हाँ? ये पाइप भी किसी ने फेंका भाई, ये देखें देखें ये गली है, वो फेंस कोई बना रहा है कुछ यहाँ पे फेंस में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चांद ही दिख रहा है, वो देखिए चांद आपको पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। तो बस ये हम लोग यहाँ पे आए हुए हाँ बंद कर दिए, हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है फार्म हाउस है, फिर ये किसी का फार्म हाउस लग रहा है यार। यहाँ पे ख़त्म हो गया ये गेट है, ये खत्म हो गया कोई है वहाँ पे अंदर, दरवाजा भी तो ओपन है। तो अभी वापस चलते हैं उस साइड में, ये तो ख़त्म हो गया इसका ठीक है हाँ। तो ये वापस हम ये देखें टनल में वापस से जा रहे हैं उस साइड पे, इधर से आए थे इधर से ही जा रहे हैं। ये देखें ये लिखा अल्लाह अकबर S+QE। तो यहाँ अंदर चले गए नहीं, ये देखिए मैं आपको दिख रहा हूँ ये, तो ये हम अंदर इधर जा रहे हैं टनल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, आप देख रहे हैं अंधेरा होता जा रहा है, और जब अंधेरा हो जाता है तो फिर नज़र नहीं आता इंसान को, और जब नज़र नहीं आता तो फिर मसले बढ़ जाते हैं क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भाई। ओह बिस्मिल्लाह देखा ये मसला हो जाता है कि मुझे ठोकर लग गई। तो आज देख रहे हैं ये देखिए मैंने बंद कर दी रोशनी, ये कर दी ये बंद कर दी ये कर दी ये बंद कर दी मैंने, देखिए ये रोशनी आ गई। तो इस तरीके से ये हम चल रहे अंधेरे के अंदर, पता नहीं मैं नज़र आ रहा हूँ। हेलो हाँ भाई लो मुराद ये मुराद हैं। तो बस ये पहुँचने वाले हैं यहाँ तक पहुँच गए टनल के अंदर, ये बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर है हमारे लिए टनल के अंदर से जाने। तो हम आ रहे हैं तो मैं अच्छा भागना शुरू करता हूँ, ये देखिए मैं निकल गया वो बराबर है मैं जो भाग भाग के आ गया। अभी वापस से मेन अलकुदरा लेक की तरफ जा रहे हैं हम, ये है मेन अलकुदरा वादी अलकुदरा नहीं वादी अलकूर, पता नहीं क्यों मैं कुदरा कुदरा बोले जा रहा हूँ, ये है वादी अलकूर, उसका मेन जो वाटर का एरिया ना ये
उसकी तरफ जाते हैं हम, फिर मैं आगे जाके फिर और बनाता हूँ, ठीक है। ये असल स्टार्ट है वादी अल कूर का, यहाँ से पानी देखिए बहता हुआ जा रहा है इस तरीके से, कुछ पानी इन्होंने खुद छोड़ा हुआ है, देखें इस तरीके से ये बनाया हुआ इन्होंने, ये इस तरीके से बनाया हुआ इन्होंने, पानी बह रहा है, ये देखें पानी बहता हुआ जा रहा है पूरे रास्ते में, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्योर लश क्लीन वाटर है। देखें छोटी छोटी पता नहीं मछलियाँ हैं या कीड़े मेंढक हैं, मेंढक हैं, लेकिन पानी साफ़ नहीं है, देखें खाई आगे खाई है बिल्कुल, तो वो लगने में साफ़ है लेकिन, और ये पानी बहता हुआ भी नहीं है, मतलब पाक आप कह दो, ये बहता हुआ पानी भी नहीं है, ये एक तरह से रुका हुआ है बस, खुद ही आर्टिफिशियल पानी है, ठीक है। तो भाई यही है ना कुदरत, अभी आगे जाके ना इसी पे हम आगे आगे चलते हैं, पानी का जो है ना वो दिखाते हैं, देखिए ये स्टार्ट है असल और यहाँ से जा रही है। तो ये बेसिकली वॉकिंग के लिए सही है, हाइकिंग के लिए सही है, और मेनली यहाँ पे उसके लिए सही है, आपकी बारबेक्यू वगैरह ना तो उसके लिए सही है। तो अगर आप यहाँ पे हाइकिंग करने आए तो सही, वैसे कोई एक्टिविटी यहाँ पे इतनी नहीं है हाइकिंग के अलावा, आगे हत्ता मान जाएंगे, हत्ता की तरफ जाएंगे तो बहुत एक्टिविटी है, ठीक है। तो आगे मैं जाके फिर बनाता हूँ। देखिए ये इधर आप नहा भी सकते हैं, देख रहे इसमें नहा सकते हैं, ये सबसे गहरा है, लोगों ने जो टिकटॉक पे डाला होता ना वो ये वाला पानी है, इसमें इसमें नहा रहे होते हैं। देखिए ये पानी है, वो लोग नहा जो रहे होते ना, ये पानी, ये बाकी ये है लेक है सारी, ये यहाँ पे पैर भी स्लिपरी होते हैं थोड़े से, क्योंकि मट्टी है ना, तो ये देखें सारा पानी बहता हुआ जा रहा है, ये पानी देखें, ये लगने में तो साफ है लेकिन इतना साफ नहीं है, लेकिन तो ये बहता हुआ जा रहा है पानी, पानी का यही मज़ा है, पानी के साथ बैठिए आप, नहाना है तो नहाएं, चलना है तो चलें, है ना, यही है ना पत्ता पानी का, तो ये यही है पानी, आप देख रहे हैं पानी, ये सारा पानी, तो ये सारा पानी है, इसमें आप नहाएं खेलें कूदें, पीने का नहीं है पानी, पिए तो खुद ज़िम्मेदार हैं अपने। ये है वादी अल कूर, ये पानी देखिए बहता हुआ जा रहा है, ये वो बहता हुआ, ये सारा पानी है, ये देखिए ये सारा पानी है, ये गाने लगा के बैठे हैं मस्त हो गए, और ये जगह है ना यहाँ कोई नहीं जा रहा, इसका मतलब ये खुश जगह है, ये इधर कोई जा नहीं रहा, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश जगह है, इससे मुझे महसूस हो रहा है। हैं मुराद तू क्या बोलता है, इधर कोई जा नहीं रहा तो ये सबसे खुश जगह होगी, है ना, या लोग को तो जाने का मूड नहीं होगा, हैं तो एक दफ़ा वहाँ जाके चेक करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर आपको बताता हूँ, पानी के निशानात तो दिख रहे हैं ना, पानी है नहीं ये नहीं पता, वहाँ जाके पता चलेगा। कि हम आगे जा रहे हैं, कुछ पानी तो डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, पथरीली जगह है, तो ये देखिए सारा ये यार ये था वादी अल कूर, और हम ये पानी थोड़ा सा मिला है मुझे, ये रहा ये देखें ये पानी है,
आप ये देखेंगे, ये पानी है, इसके अंदर ये क्या मेंढक हैं? ये मुझे बताया मुराद ने कि ये मेंढक हैं, ब्लैक वाले आप गए थे, तेज़ी से घूम रहे हैं, बहुत तेज़ी से। मुराद ये मेंढक ही हैं, मेंढक हैं, मुझे मछली हैं, ये तो मछली है वो बड़ी वाली, बड़ी वाली मछली, काले वाले मेंढक हैं। अच्छा तो ये देखें पानी अचानक से सडनली आ गया, ये पानी जो है सडन आ गया, पानी सडनली आ गया, मालूम नहीं कैसे आया। ये देखेंगे सारा, ये देखें ये पानी भी थोड़ा सा, इन पानी में देखें मेंढक कितने सर्वाइव कर रहे हैं, ये देखो मेंढक बेचारे, इनके लिए पानी छोड़ा नहीं है लोगों ने, तो बड़ा मुश्किल हो रही है इन मेंढक। तो हमें चाहिए मेंढक के बारे में भी सोचें, मेंढक जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं है लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है ना, तो मेंढक के बारे में हमें सोचना चाहिए, मेंढक का ख्याल करें, पानी ज़्यादा ला के दें इनको, तो समझे मेरी बात को? ओके चलें ठीक है। कुआं डिस्कवर कर लिया ये दरख के साथ, ये देखें ये कुआं है यहाँ पे, ये देखें ओए होए होए अंदर पानी भी है, ख़तरनाक है थोड़ा सा लेकिन ख़तरनाक। मशीन मोटर भी लगी है, मोटर किधर? मेरे ख्याल में बिजली की तार गई है। ओहो हो, तो देखिए हमने डिस्कवर किया ये कुआं, यहाँ इस तरह की चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग बड़ी तेज़ी से, तो क्या पता अभी सोना भी निकला है हमारे यहाँ, सोना भी निकला है ना, कहीं से पैसे पड़े मिल जाए बहुत सारे, तो ये ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को आके यहाँ पे वादी कोर में ना, ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी ठीक है, क्योंकि क्या पता जैसे कुआं हमें निकला ना, क्या पता गोल्ड भी मिल जाएगी कोई पड़ा होगा कहीं पर, पैसे की कोई तिजोरी या ब्रीफ केस होता है ना हर बंदे के माइंड में होती है ऐसी चीज़ें, तो क्या पता वो भी मिल जाए। तो ये देखेंगे इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा इस ऐसे जाके ना गलियों में, हाँ तो ये देखें इसी समंदर में, देखें पानी ऐसी ऐसी होते हैं समंदर के अंदर ना, कटी हुई पहाड़ियाँ, और वो देखें पहाड़ियों में हम नीचे, ये वो सूरज ऊपर, तो ये देखें आप सारा हम लोग डिस्कवर करते हुए जा रहे हैं यहाँ, ये पानी है यहाँ पर, पानी नहीं है अभी, खुश्की है, तो हम इधर यहाँ पे घूम फिर खुश्की की वजह से, तो सारा हम डिस्कवर करते हुए आ रहे हैं पीछे से, ये कहलाती है वादी अलकोर। अच्छा ये ऊपर जाने की जगह भी बनाई हुई है, तो बस फिर मैं आगे चल के आप बताता हूँ और कहीं पानी का डिस्कवरी होती है तो आगे जाके फिर मैं बताता हूँ ठीक है। ये देखें ये सारा जो है ये पानी के ये ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन अभी पानी जो है यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये जो है सारा हिस्सा अब ऐसे ही पड़ा हुआ खुश्क, ये देखें वरना यहाँ पे पानी बह रहा होता है, तो बारिशें जब होती हैं तब यहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है, इस एरिया में सारा पानी होता है ऊपर तक। अच्छा वो आगे पानी है थोड़ा सा, वो देखें ये आप देख रहे हैं ये पानी हमने डिस्कवर कर लिया है यहाँ पे, ये पानी है, ये देखें ये पानी डिस्कवर कर लिया हमने, ये पानी है सारा वो लश मेंढकों के लिए, मेंढक घूम रहे हैं इधर, तो तिलास भी पड़े हैं लोगों के, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक पत्थर फेंक के ना कि पानी की गहराई कितनी है, ज़्यादा नहीं दिख रही लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी, क्या बात है। तो ये देखें ये सारा पानी यहाँ से बहता हुआ जाता है इस तरीके से, तो बस ये हम लोग तो चलते रहेंगे आगे, तो आपको खुद दिखेगा पानी, टाइम टू टाइम आपको दिखाते रहेंगे, ये पानी इस तरीके का पानी जहाँ मिलेगा हम रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे, ये सारा लश पानी, यहाँ से उतरना भी है हमें, ये पानी रहे, तो बस बिस्मिल्लाह, तो ये मुराद ने छलांग लगाई है, तो बस ये पानी डिस्कवर हुआ था मैंने आपको दिखाया, अभी आगे जाते हैं कुछ और डिस्कवर होता है, देखें सारा ये दिख रहा है हमें, हाँ अजदहा भी डिस्कवर होता है, ये देखिए ये सब जगहें बनी पानी, ये देखिए थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ यहाँ पे, तो इस तरीके से जगहें हैं
यहाँ भी थोड़ा पानी पड़ रहा है, ये देखें। तो ये है ऐसे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ है हर जगह पे। कुछ नेचुरल है, मोस्टली इन्होंने सल्फ मतलब छोड़ा हुआ पानी इस वादी को अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि देखें लेक बह रही है। लोग अट्रैक्ट होते हैं ना लेक देख के, वाटर को देख के माउंटेंस में या डेजर्ट में सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस, ओ वाओ। तो इसके लिए इन्होंने थीम बना के रखी है कि पानी छोड़ दिया। वो देखें वो फैमिली का ही, उसने भी बात सुन ली, बच्ची थी शायद, तो मैं अभी बंद कर देता हूँ आगे खतरा खतरा ना हो, सही। तो ये देखें, ये जो है ये देखें लिखा हुआ है 52 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंसी, ये इनका नेशनल डे है, 52 ईयर्स हो गए इनके फ्लैग लगाए हुए। ये अल कोर वादी का लोग रहते हैं यहाँ पे, वहाँ से माए उधर माउंटेन्स देख रहे हैं, सॉरी। तो बस ये हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं इधर से, ये हमारे सामने माउंटेन वो कर लेंगे पहाड़ी के पीछे चला गया। तो अभी आगे जाके हम देखेंगे वो जगह, देखें वो देख उस जगह पर जाके चेक करेंगे क्या खेती बाड़ी की क्या मामला आते हैं उधर, उसके बाद वहाँ से वापसी का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया अगर उसके बाद हमारा घर जाना मुश्किल है, यहीं के रहना पड़ेगा। तो फिर आगे पहुंच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक। और ये हम वादी की एक फार्म हाउस में पहुंच गए, इन्होंने देखें खेती बाड़ी की हुई, इतना ट्यूबवेल भी बनाई हुई है यहाँ पर, देखें ट्यूबवेल बनाई हुई है पानी भर रहे हैं, ये सारा खेती बाड़ी। और सामने देखें माउंटेंस है सारी, देखें वो सूरज देखें डूबता हुआ जा रहा है, देखें कैसा ज़बरदस्त माउंटेंस का व्यू आ रहा है, सूरज का डूबता हुआ देखें मंजर। तो हम भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये थी वादी अल कोर की, तो अभी हम यहाँ ख़त्म करके वापसी का सफ़र लेंगे, यहाँ भी वापसी का लेना, तो बस वापसी का सफ़र लेते हैं यहाँ से हम। तो वापसी में कुछ दिखेगा तो आपको दिखा देंगे नई चीज़, वरना तो वही पुरानी चीज़ दिखेगी। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपको लश यार देखें व्यू देखें, और यहाँ पे खेती बाड़ी है देखें, ये सारी खेती बाड़ी फार्म हाउस बनाए हुए सारे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें यहाँ, सही है। चलें फिर, ओके अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम वादी अल कोर से बस हमने फिनिश हो गया, वापस जा रहे हैं। वो माउंटेन से सूरज डूबता हुआ दिख रहा है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ सूरज डूब रहा है पीछे मेरे। तो बस हम फिनिश कर दिए हमने अपनी हाइकिंग, अब वापस की तरफ जा रहे हैं। तो माउंटेंस का व्यू है, माउंटेंस का अपना भी मज़ा है, आप आए मज़ा नहीं माउंटेंस का, है ना, एक अपना मज़ा होता है माउंटेंस का भी, उसमें हाइकिंग का डिस्कवर करने का। तो आप ये देखें और ज़रूर आएँ डिस्कवरी करने माउंटेंस में, ज़रूरी नहीं वादी अल कोर आएँ, डिफरेंट वादीज में जाएँ, हत्ता में जाएँ, फुजैरा में जाएँ, या फिर रासुल खेमा में जाएँ, या फिर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई माउंटेंस है वहाँ पर जाएँ, तो ज़रूर जाएँ नई चीज़ें डिस्कवर करें और इन्जॉय करें, ठीक है। हाँ वो रहा सुराख, देखिए वो सुराख रहा, ये बस ये हमने वीडियो पर एंड कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ से घूम के वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे थे कि वीडियो एंड कर रहे हैं। सामने देखें सूरज निकला हुआ है, और वो मुराद देखा दिखा रहा था सुराख है वहाँ पे, तो अजदेह का सुराख है। तो बस फिर आपको फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।